हेलो, गुड मॉर्निंग हाय डियर स्टूडेंट्स। क्लास सेवन्थ चैप्टर सेकंड, फ्रैक्शन एंड डेसिमल। तो फ्रैक्शन एंड डेसिमल में हमने लास्ट वीडियो में हमारी प्रैक्टिस 2.3 को कंप्लीट किया था। आज टू जे नेक्स्ट प्रैक्टिस 2.4। तो नेक्स्ट प्रैक्टिस 2.4 में फर्स्ट टॉपिक है डेसिमल। तो डेसिमल से देखिए क्या होता है। अगर हमारे पास कोई अंडरस्टैंडिंग फॉर नंबर्स है, जैसे 85.567, 567 कोई नंबर है 85.567। तो देखिए इसमें 85 नंबर कैसा नंबर कहलाएगा? होल पार्ट। कैसा पार्ट होगा ये? होल पार्ट। और 567 जो पॉइंट के बाद है नंबर, डेसिमल के बाद नंबर है, उसको बोलते हैं डेसिमल पार्ट। कैसा नंबर पार्ट? डेसिमल पार्ट। कैसा पार्ट? डेसिमल पार्ट। तो सबसे पहले अगर हम एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, हमारे पास एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है। तो एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, कन्वर्ट 49 पैसे इंटू रुपीज। कन्वर्ट कर रहे हैं 49 पैसे इंटू रुपीज। इसमें कन्वर्ट कर रहे हैं रुपीज में। कन्वर्ट 49 पैसे इंटू रुपीज। तो सॉल्व, अगर हम सॉल्व करते हैं तो 1 रुपीज में कितने पैसे होते हैं? अगर हम 1 रुपीज इक्वल टू 100 पैसे, 1 रुपीज में कितने पैसे होते हैं? 100 पैसे। तो 1 पैसे में, 1 पैसे इक्वल टू कितने रुपीज होंगे? 1/100 रुपीज। तो 1 पैसे में कितने रुपीज होंगे? 100 रुपीज। 49 पैसे इक्वल टू 49 पैसे इक्वल टू क्या होगा? 49/100। 49/100 इक्वल टू क्या कह सकते हैं इसको बेटे? कितने देखिए, लास्ट अपॉन कितनी जीरो? टू। तो टू नंबर छोड़ गया, लगाइए पॉइंट या डेसिमल। तो 49.0। तो यह वाला आंसर। तो एग्जांपल नंबर फर्स्ट आपका कंप्लीट क्या है? 0.49 रुपीज। तो नेक्स्ट एग्जांपल नंबर सेकंड, नेक्स्ट एग्जांपल नंबर सेकंड, नेक्स्ट एग्जांपल नंबर सेकंड देखिए, कन्वर्ट 35 सेंटीमीटर इंटू मीटर। कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट 35 सेंटीमीटर इंटू मीटर। कन्वर्ट करना है 35 सेंटीमीटर को इंटू मीटर्स में। सॉल्व करोगे, विन आउट डेट हम जानते हैं, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू कितने मीटर होते हैं? 1/100 मीटर। 1/100 मीटर। तो 35 सेंटीमीटर इक्वल टू क्या होगा? 35/100 इक्वल टू क्या आंसर आएगा मीटर में? 0.35 मीटर। पॉइंट के आगे अगर कोई नंबर नहीं है, अगर जीरो लगाते हैं उस नंबर का कोई इफेक्ट नहीं, तो 0.35 मीटर। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर थर्ड, तो नेक्स्ट एग्जांपल नंबर थर्ड, कन्वर्ट 2490 ग्राम इनटू किलोग्राम। 2000 फॉर कन्वर्ट
2490 ग्राम कन्वर्ट 2490 ग्राम इनटू किलोग्राम, इसमें कन्वर्ट करना इनटू किलोग्राम, कन्वर्ट 2490 ग्राम इनटू किलोग्राम, सॉल्व 1 ग्राम इक्वल टू कितने किलोग्राम होते हैं, 1/1000 किलोग्राम। सिंस 2490 ग्राम इक्वल टू क्या होगा, 2490/1000 किलोग्राम, 1000 किलोग्राम। तो सॉल्व करेंगे, देखिए लास्ट कितने 30 है, अपॉन में 1 2 3 3 नंबर छोड़ के पॉइंट लगाइए, 2.490 किलोग्राम। आंसर क्या है, 2.490 किलोग्राम। तो एग्जांपल नंबर आपका थर्ड कंप्लीट। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक एक्सपेंडेड नोटेशन और डेसिमल। डेसिमल को एक्सपेंडेड फॉर्म में प्रेजेंट करना है। देखिए किस प्रकार करेंगे, एक्सपेंडेड नेक्स्ट टॉपिक क्या है, एक्सपेंडेड नोटेशन, एक्सपेंडेड नोटेशन फॉर डेसिमल नंबर्स। एक्सपेंडेड नोटेशन फॉर डेसिमल नंबर्स, नंबर्स को किसमें एक्सपेंडेड फॉर्म में प्रेजेंट करना है, डेसिमल नंबर को। तो देखिए सबसे पहले अगर डेसिमल नंबर को हम बाय चार्ट से प्रेजेंट करते हैं, एक बार प्रेजेंट करना बताते हैं बाय चार्ट से। देखिए सबसे पहले इधर लेते हैं वंस, टेंस, वंस, टेंस, हंड्रेड, और थाउजेंड। थाउजेंड वंस, टेंस, हंड्रेड और थाउजेंड। वंस में वन, टेंस में 10, हंड्रेड में 20, थाउजेंड में 1 2 3 0। नेक्स्ट अगर हम यहाँ क्या लेते हैं, डेसिमल, डेसिमल नंबर कौन से लिया, डेसिमल। नेक्स्ट लेंगे टेंथ, हंड्रेड और थाउजेंड, क्या लेंगे, टेंथ, हंड्रेड्स और थाउजेंड। थाउजेंड, हंड्रेड, टेंस और वंस, टेंथ में क्या आएगा, देखिए 1/10 0.1, हंड्रेड 1/100 0.01, और थाउजेंड 1/1000 0.001। अगर हम कोई एग्जांपल देखिए,
फर्स्ट थ्री फोर फाइव, थ्री फोर फाइव सिक्स पॉइंट, थ्री फोर फाइव सिक्स पॉइंट टू सेवन सिक्स, टू सेवन सिक्स। नेक्स्ट है अपने पास फाइव फोर थ्री टू पॉइंट वन टू थ्री, वन टू थ्री। डेसिमल्स नंबर्स में देखिए, अब अगर हम थ्री फोर टू सिक्स को एक साथ प्रेजेंट करें सॉल्व में, थ्री फोर, थ्री फोर टू सिक्स, क्या है ये टू सिक्स, टू सिक्स पॉइंट टू सेवन सिक्स, क्या नंबर है थ्री फोर टू सिक्स पॉइंट टू सेवन सिक्स। क्या लिखोगे एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होगा इसकी, देखिए थ्री का मल्टीप्लाई किससे करोगे वन थाउजेंड से, प्लस फोर का मल्टीप्लाई हंड्रेड से, प्लस टू का मल्टीप्लाई टेन से, प्लस वन का मल्टीप्लाई सिक्स का मल्टीप्लाई वन से, प्लस प्लस करोगे टू, टू को किसे डिवाइड करोगे टेन से, टू अपॉन टेन, प्लस सेवन को किससे डिवाइड करोगे हंड्रेड से, प्लस सिक्स को किससे करोगे थाउजेंड से, कैसे डिवाइड करोगे थाउजेंड से। इसी प्रकार नेक्स्ट नंबर क्या था हमारे पास, फर्स्ट होगा एक्सपेंडेड फॉर्म, सेकंड होगा ये कन्वर्ट, फाइव फोर थ्री टू, फाइव फोर थ्री टू पॉइंट वन टू थ्री, पॉइंट वन टू थ्री। देखिए फाइव को वन थाउजेंड से मल्टीप्लाई, प्लस फोर को हंड्रेड से मल्टीप्लाई, प्लस थ्री को टेन से मल्टीप्लाई, प्लस टू को वन से, प्लस वन को टेन से मल्टीप्लाई अपॉन टेन, प्लस टू को हंड्रेड से, प्लस थ्री को थाउजेंड से डिवाइड। सॉल्व किया फर्स्ट एंड सेकंड को किसे डिवाइड किया, तो ये हमारे एक्सपेंडेड प्रॉब्लम है। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर हमारे पास फोर्थ, थर्ड तक हमने सोल्व किया था, नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर कौन सा होगा हमारे पास, आओ फोर्थ। तो एग्जाम्पल नंबर फोर्थ देखिए, नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर फोर, राइट द फॉलोइंग, राइट द फॉलोइंग, राइट द फॉलोइंग एक्सपेंडेड फॉर्म इन डेसिमल फॉर्म, एक्सपेंडेड फॉर्म, एक्सपेंडेड फॉर्म फॉर इन डेसिमल, इन डेसिमल फॉर्म, राइट द फॉलोइंग एक्सपेंडेड फॉर्म इन डेसिमल फॉर्म। तो हमको फाइंड करना है किसमें एक्सपेंडेड फॉर्म एंड डेसिमल फॉर्म में। क्वेश्चन क्या है देखिए, नाइन इंटू 1000, 9 into 1000 plus 6 into 10, 9 into 1000 plus 6 into 10 plus 1 upon 100 plus 1 upon 100 plus 8 upon 1000.
हमको क्वेश्चन दिया हुआ है किसमें, एक्सपेंडेड कॉलम इन डेसिमल फॉर्म में, इसको सिंपल फॉर्म में क्या करना है, कन्वर्ट करना है। तो देखिए सॉल्व क्या करोगे, 9 × 1000 प्लस 6 × 10 प्लस 1/100 प्लस 8/1000 क्या लिख सकते हैं इसको, 9000 प्लस 6 × 10 10 16 प्लस 1/100 को क्या प्रेजेंट 0.01 प्लस 8/1000 को 0.008 क्लियर। सभी को ऐड कीजिए क्या आएगा, देखिए 9060 क्या बेटे 0.018। तो 9060.018 यह बात आंसर क्या होगा आपका, यह आंसर। तो एग्जांपल नंबर 4 आपका कंप्लीट। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 6 नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 6 कन्वर्ट नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 6 क्या है, कन्वर्ट 0.48 into fraction कन्वर्ट करना है 0.48 into fraction कन्वर्ट करना हमको किसको, 0.48 को किसमें, फ्रैक्शन में। देखिए सॉल्व 0.48 और हम 48 पॉइंट और पॉइंट को सॉल्व करते हैं, इतने नंबर छोड़ के कौन कितना 1 और 2 तो अपॉन है उतने ही 0 1 के बाद 1 and 2 तो 48/100 तो 48/100 को सॉल्व कीजिए। देखिए 4 से 12 4 जा 88 और 4 से 25 जा 25 4 जा 100 आंसर क्या आएगा 12/25 यह आंसर। तो कन्वर्ट 0.48 into fraction तो 0.48 का फ्रैक्शन क्या होगा 12/25। तो नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 7 5 6 5 4 5 6 नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 6 नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 6 ऐड ऐड करना है 3.8 9.16 and 3.8 9.16 and 235 235 point 235 point 408 408। तो सिंपल है, सॉल्व करना है और क्या करना है ऐड, क्या करना है ऐड। तो सबसे पहले क्या है 3.8 पॉइंट के बाद 9.16 और लास्ट क्या है अपने पास 0.408 और 5 3 2 सभी नंबरों क्या करोगे ऐड, सभी नंबरों क्या करोगे ऐड 8 तो 8 का 8 6 में 0 ऐड किया 6 8 over 9 9 over 13 13 का 3 कैरी 1 डेसिमल पॉइंट 3 over 4 4 over 9 13 13 over 5 18 18 का 8 कैरी 1 3 over 1 4
आंसर क्या है? 248.368 यवर आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 आपका कंप्लीट। नेक्स्ट लास्ट एग्जांपल है आपका एग्जांपल नंबर 7। एग्जांपल नंबर 7 सब्ट्रैक्ट 9.62 फ्रॉम 9.62 फॉर 13.87। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे 9.62 फ्रॉम 13.87, तो 13.87 में से सब्ट्रैक्ट क्या करेंगे 9.62। तो सॉल्व 13.87 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं 9.62, सब्ट्रैक्ट कीजिए। 7 में से 2 सब्ट्रैक्ट किया तो 5, 8 में से 6 सब्ट्रैक्ट किया तो 2.5, क्या 3 में से 9 सब्ट्रैक्ट किया लो, तो 13 में से 9 सब्ट्रैक्ट किया 4, तो आंसर क्या आया 4.25 जवाब आंसर। तो आंसर क्या है अपने पास 4.25 यवर आंसर। तो आपके क्वेश्चन नंबर 6 और 7 कंप्लीट। तो एग्जांपल आपके कंप्लीट। नेक्स्ट है प्रैक्टिस 2.4 का क्वेश्चन नंबर 5। प्रैक्टिस 2.4 का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या क्वेश्चन है? विच नंबर इज स्मॉलर, विच नंबर ऑफ, विच नंबर ऑफ, विच नंबर इज, विच नंबर इज स्मॉलर, विच नंबर इज स्मॉलर 4.61 4.61 4.61 4.16। विच नंबर इज स्मॉलर, हमको नंबर बताना है। देखिए सॉल्व 4.61 अथवा 4.16 में से हमें स्मॉलर नंबर बताना है, कौन सा नंबर स्मॉल है। तो सीधा देखिए 4 4, तो देखिए अगर हम 4 प्लस 0.16, तो अगर 4 और दोनों सेम नंबर है, अब 0.61 और 0.16, तो कौन से नंबर के लिए 61, तो कह देंगे 4.16 इज स्मॉलर स्मॉलर नंबर। कौन सा नंबर स्मॉलर है? 4.16 इज स्मॉलर नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर सेकंड। विच नंबर इज, विच नंबर इज ग्रेटर, विच नंबर इज ग्रेटर 2.39 या अथवा 2.39 और 2.34। विच नंबर इज ग्रेटर, इनमें से कौन सा नंबर ग्रेटर है 2.39 अथवा, तो सॉल्व देखिए 2.39 और 2.34, 2 प्लस 0.39 और 2 प्लस 0.34, देखिए दोनों में तो सेम है, प्लस पॉइंट
39 और 0.34, तो कौन सा नंबर ग्रेटर है? 0.39, तो आंसर होगा 2.39 इज ग्रेटर नंबर, इज ग्रेटर नंबर। कौन सा नंबर ग्रेटर है? 2.39 इज ग्रेटर नंबर। दोनों में से कौन सा नंबर ग्रेटर है? 2.39 इज ग्रेटर नंबर। तो आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपके लिए। कन्वर्ट दी फ्लोइंग इनटू रुपीज, क्वेश्चन नंबर थर्ड। कन्वर्ट करना दी फ्लोइंग इनटू रुपीज, फ्लोइंग इनटू रुपीज, किसमें कन्वर्ट करना है? फ्लोइंग इनटू रुपीज, रुपीज में कन्वर्ट करना है। फर्स्ट हमारे पास 17 पैसे को किसमें कन्वर्ट करना है? रुपीज में। तो देखिए सॉल्व, 1 पैसे इक्वल टू कितने रुपीज होते हैं? 1/100 रुपीज। तो 17 पैसे इक्वल टू क्या होगा? 17/100। खुद का आंसर आएगा 0.17 रुपीज। ये बात आंसर क्या है हमारे पास? 1 पैसे इक्वल टू 1/100 रुपीज, तो 1/17 पैसे इक्वल टू 17/100, तो 100 से डिवाइड किया तो आंसर क्या है? 0.17 रुपीज। सेकंड क्या है इस क्वेश्चन का? 61 पैसे, तो सॉल्व 1 पैसे इक्वल टू क्या होता है? 1/100 रुपीज। तो 61 पैसे इक्वल टू क्या होगा? 61/100 रुपीज या 0.61 ये आंसर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड आपका थर्ड का कंप्लीट। नेक्स्ट थर्ड एंड फोर्थ। थर्ड क्या है? 119 पैसे, 119 पैसे। फोर्थ क्या है इसका? नेक्स्ट फोर्थ क्या है? 20 पैसे, 20 पैसे। तो 119 पैसे और 20 पैसे के क्वेश्चन को आप सेम सॉल्व करना तो आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। टेक केयर, थैंक यू।